बोलो लड़के। ताहिर भाई, कल रात को विदात बाहर निकलेगा होटल से। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, फिर मिलते हैं। अपना मुंह खोलो बेटा। ओह, सलाद तो तुम्हें पसंद है ना, ये लो और खा लो। मेरा बेटा, मेरा बेटा सबसे प्यारा है। रुको, मैं थोड़ी सी और सलाद डाल देती हूँ। उफ़ मम्मी, क्या मैं बच्चा हूँ? स्कूल जाता हूँ मैं। या अल्लाह, इतने बड़े भी नहीं हो गए तुम। फौज में भी चले गए तो मेरी नजर में तुम बच्चे ही रहोगे, समझे? मैं थक गया हूँ, थक गया हूँ। फिर बुजुर्ग शेर वहां पर आता है, चांदनी में चीखने वाले शेर को बचाता है। चलो मेरे ईद। कहाँ? मदरसे में बेटा। चलो भाई जल्दी उठो, चलो। हमारे वापस आने तक जो बात करनी है कर लो। मैं कैसे बताऊंगी कि विदात उसको लेना चाहता है? रुक जाओ, पहली तारीख आने दो। तुम्हारे पास डॉक्टर्स की टीम आएगी, फिर उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ही पता चलेगा। फिर बता देना ईद को। रिपोर्ट अगर गलत आई तो मेरा तशद्दुद का दावा नहीं माना जाएगा अदालत में। साबित करने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन अगर ये साबित हो गया तो फैसला विदात के हक में भी आ सकता है। नफीस, मुझे लगता है विदात को मेरी कंडीशन मालूम है, तभी वो इस तरह के इल्जामात लगा रहा है। सुबह कहा था ना मैंने, विदात के पास यही रास्ता है कि वो तशद्दुद की शिकायत को खत्म कर सके, वरना उसके पास अदालत में और कोई चारा नहीं। क्या वो पहली मुलाकात में ऐसा ही था? यानी कैसा था वो? कौन? क्या विदात? वो बहुत नरम था, समझदार था, तमीजदार, लेकिन पहले ही लम्हे उसने मुझे डरा कर रख दिया। मैंने उसके अंदर एक खूनी जानवर को महसूस किया है। मैं नहीं महसूस कर पाई। यानी अपने शोहर को नहीं देखा उसके अंदर का जानवर। मेरे लिए वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था। अम्मी को, मुझे, मेरी बहन को बहुत तहफ़्फ़ुज़ देता था। वो हीरो था मेरा। Thank you.